असलामुअलैकुम। आज 7 अगस्त 1947 ईस्वी है। पेश खिदमत है बर्रे सगीर के मंजरनामे पर उभरते हुए अहम वाकयात का इजमाली जायजा। पाकिस्तान के नामजद गवर्नर जनरल कायद आजम मोहम्मद अली जिना आज जब कराची पहुंचे तो आवाम का जंबे गफीर उमड़ आया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक उनका इस्तकबाली जुलूस 3 किलोमीटर तक मुहित था। शहर कराची की शाहराहों में कायद आजम के लिए वालेहाना जज्बात का समंदर उमड़ आया। मोहम्मद अली जिना की खसूसी तैयारी के जरिए कराची आमद के मौके पर फातिमा जिना भी साथ थीं। एयरपोर्ट पर सरदार अब्दुल रब निश्तर, गजनफर अली खान और नामजद गवर्नर सिंह गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला भी मौजूद थे। कायद आजम ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि मैं हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ एक पुरम हमसाय और तावुन और तरक्की में मुआविनत की दावत देता हूँ। नौजायदा ममलिकत पाकिस्तान की अक्वामे मुत्तहिदा की रुकनियत के लिए गुफ्तोशनीद जारी है। बरतानिया से बाकायदा आजादी के बाद अक्वामे मुत्तहिदा की रुकनियत के लिए दरखास्त दी जाएगी। इस दरखास्त को बरतानिया समेत दीगर ममालिक की हिमायत हासिल होगी। यूं पाकिस्तान की सिफारतकारी को पूरी दुनिया तस्लीम करेगी। कराची से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि पाकिस्तान की कानून साज असेंबली का पहला इजलास 10 अगस्त को कराची में होगा। इस इजलास के चेयरमैन और इंतजामात के हवाले से गौर फिक्र जारी है। मजीद बरां पाकिस्तान की शनाख्त बनने वाले परचम की मंजूरी भी असेंबली से ली जाएगी, जिसके बाद ये परचम सरकारी तौर पर लहराया जा सकेगा। कलकत्ता से इत्तला है कि फसादात में 6 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए हैं। बर्रे सगीर की तकसीम के ऐलान के बाद ये फसादात पाकिस्तान की राह खोटी करने की कोशिशों का हिस्सा हैं। हुसैन शहीद सुहरवर्दी की तरफ से फरीकैन को एक बार फिर पुरम रहने की दरखास्त की गई है। ताहम कांग्रेसी लीडरों के इश्तियाल अंगेज बयानात और रवैयों की वजह से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। खबरें खत्म हुई। अल्लाह हाफिज़।